नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उस शातिर गिरोह की जिसने कवर्धा में आतंक मचा रखा था। शातिर आरोपी सूने मकानों में पहले रेकी करते थे और फिर घर का कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। कवर्धा में सनसनी फैलाने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों में 2 युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23 लाख रुपए नकद और सोने चांदी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने 12 जगहों पर चोरी की वारदात को करना कबूल किया है। दरअसल पिछले 6 महीने से बदमाशों ने सोने मकानों में चोरी कर पुलिस की नाक में दम कर रखा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने टीम गठित की। पुलिस की टीम ने चोरी वाली जगह पर लगे सीसीटीवी फुटेज लगा ले और आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गए। प्रकरण जो थे उस पर लगभग 24 लाख रुपए के आसपास की रकम एवं सामग्री बरामद की गई है, जिसमें 8,33,850 रुपये नकद राशि है। उसके अतिरिक्त 357 ग्राम सोना और 356 ग्राम चांदी बरामद किया गया है और 12 प्रकरणों में अभी खुलासा किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। मुरैना में घर में